माहौल है खुशनुमा, कहना कहीं आप देख सकते हो कि इवनिंग भी है, करंट नहीं है, लेकिन मैं जो सेटअप गेटअप आज रेडी करके रखा हूँ तो खास आपके लिए सोचा कि चलो कुछ यूनिक किया जाए। और इसी यूनिक करने के लिए मैंने ये दो कैंडल्स अरेंज किया है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, जहां पे इस कैंडल्स के तहत, इन लाइटिंग के तहत मैं आपको आज ब्लॉग बनाऊंगा, जिस ब्लॉग पे कुछ खास खास और कुछ नई जानकारी देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आगे फर्दर क्या होने वाला है। क्योंकि जीसीएम बूस्टर जो भी आज प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है, सबने हमने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आई है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हमें तो ये पता नहीं, लेकिन हमारे बैकअप में शायद एमडी के पास काफी सारे बैकअप प्लान्स है। तो डेफिनेटली उस बैकअप प्लान को जानने के लिए एक गुजारिश मैं यहाँ पे हमारे अपलाइन के पास या फिर हमारे सीएमडी को करेंगे, जिन्होंने आईएएस नीटो मार्केटिंग के यूनिवर्स को क्रिएट किया, आरएनसीएल के यूनिवर्स को लॉन्च किया, उनसे एक बार गुजारिश करेंगे कि सर एक बार आप जरूर ऑनलाइन आए ताकि हम लोग आपके चेहरे को देख पाए, प्लीज आइए। कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो आज वो मौका आ गया है ताकि सीएमडी को एक बार हम ऑनलाइन बुलाएं और ये हम प्रूफ करेंगे कि हमारा सीएमडी आज भी हीरो है और आगे भी हीरो रहेगा। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, और सीएमडी को अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए कि सर प्लीज आप एक बार ऑनलाइन आए। कोई स्लैंग लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक ही वर्ड लिखना है कि सर आप ऑनलाइन आए, ताकि ये रिक्वेस्ट हमारे सीएमडी के पास पहुंचे और उनको पता चले कि आज भी हमारे सीएमडी आगे था, आगे है और आगे रहेगा। Supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving. Maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. One more minute, 'cause I just. मैं थोड़ा सा आपको मैं कुछ रोमांचक बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि आज के ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हमारे सीएमडी को ऑनलाइन आने के लिए निवेदन करूंगा। तो क्या आप हमारे साथ हैं? अगर आप हमारे साथ हैं तो इस लाइक बटन को जरूर ठोक दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे। और अगर आज मेरी बातें आपको और अच्छी लगती है
तो कमेंट करना जरूर ना भूले। अगर आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कभी भी आप रिंग कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आई एम ऑलवेज फ्री टू टेक योर कॉल। तो मैं रणित फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूँ, आइए बात करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रणित फिर से एक बार आपके इस चैनल पे मैं प्रेजेंट हो गया और आपको आज इस बैकग्राउंड को देख के आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस मोम के साथ कैंडल के साथ क्या कर रहा हूं। पता है मैं क्या कर रहा हूं? तो कैंडल के साथ देख के चौंके है ना, क्योंकि जो अभी सिस्टम हमारे साथ कह रही है या कर रही है वो चौंकने वाली बात ही। डेफिनेटली ये बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटर का प्यार या फिर आप कह सकते हैं कि उनका लगाव मेरे साथ है, इसलिए मैं उन पे बातचीत एक सर्कल पे बना हुआ रहता हूं। हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं आरएमसीएल, जो बहुत ही जानदार और शानदार जिंदगी देने की वादा करती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लोगों के सपनों को पूरा करने की वो ख्वाहिश, वो जोर, वो जोश, वो जुनून और वो जज्बा रखते हैं। हम वो नेटवर्कर हैं जो कहीं पर भी खड़ा हो जाए तो हजारों का लाइन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आरएमसीएल, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ब्यूटी ऑफ द सिस्टम आप कह सकते हैं, जहां पे लोग आते हैं अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं उस सिस्टम से मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब फील करता हूं या फिर मानता हूं कि मैं आरएमसीएल के साथ जुड़ा हूं। लेकिन कुछ दिनों से जो सिस्टम में आज दिक्कतें आ रही हैं, ये या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो आ रही है, जो हमें देखना पड़ रहा है, जो फील करना पड़ रहा है, फील्ड से जो प्रॉब्लम हमें फेस करना मिल रहा है, डेफिनेटली वो चुनौती भरी हुई है। और एक कहावत भी है कि कहने की कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो चुनौतियों को आपको पार करना होगा। ये एक बहुत ही ओल्ड ओथिक्स या फिर ओल्ड आप कह सकते कि बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं। आज इस माहौल को मैंने इस तरह से आज ब्लैक इसलिए कर दिया गया है, अंधेरे में इसलिए रखा गया है, क्योंकि हमारे कुछ चुनिंदे लीडर्स ने हमें अंधेरे में रखा था और आज इसलिए ये कंडीशन में मानता हूं कि हम लोग अंधेरे में हैं। इसको बस एक शख्स, एक इंसान ही इसे क्लियर कर सकता है, जो कि हमारे महानायक, हमारे रचयिता या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे गॉडफादर सीएमडी ऑफ आरएमसीएल, जिनको हम अपने दिलो जान से बहुत प्यार करते हैं, बस वो एक इंसान क्लियर कर सकता है। उस एक इंसान से हम लोग ये वादा चाहते हैं, उस एक इंसान से हम लोग ये वादा चाहते हैं कि सर एक बार आप लाइव आइए ताकि आपका हम लोग बातें सुन सके, आपका वो मिठास भरी, वो दिलासा भरी, या आप कह सकते हैं कि वो जो इथिक्स जो आप कहते थे कि आज आरएमसीएल इतने अगर इतने ऊपर तक चढ़ी हुई है या फिर आई हुई है, तो किस तरह आई हुई है, ये सारी बातें जो हम लोग सुनते थे स्टेज से, बस एक बार आप हमारे साथ लाइव आइए ताकि हम लोग आपसे एक बार रूबरू हो सके। हमें ये फील हो कि हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे सीएमडी के साथ हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी हाँ सर, काफी अरसा, काफी समय हो गया है हम अपने अपलाइन को नहीं मिले हैं। एक हमारा अपलाइन ही है जिनकी एक बस एक काम के लिए हम लोग बहुत उनको सलूट मारते थे कि हमारे अपलाइन सीएमडी जो भी हैं वो लाइव आते हैं। किसी भी सिस्टम में, किसी भी चैनल्स पार्टनर प्रोग्राम में, किसी भी सिस्टम में आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि एक सीएमडी लाइव आए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें। लेकिन ये सैल्यूट मैं आरएमसीएल को करता हूं इसलिए क्योंकि एक सीएमडी ही ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को अपनी जबानी पे या फिर अपने जुबान से ब्रीफ करते हैं कि ये प्रोडक्ट किस काम का आता है। पहली बार जिस सिस्टम में मैंने आया था तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगा था कि चलो एक सिस्टम यहां पर भी है जिस सिस्टम के माध्यम से हम लोग अपलाइन से मिलते हैं या फिर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के बारे में एक डायरेक्ट सीएमडी है जो जानकारी देते हैं। तो फिर से वो समय आ गया है सर, फिर से ये सारे प्रॉब्लम्स को, सारे गिला सिगवाओं को एक बार फिर से आप लाइव आके हमें वो दिलासा दें, हमें वो भरोसा दें कि सर आप अभी भी हमारे साथ हैं, ताकि हम लोग दिलो जान से
इस सिस्टम के साथ काम कर सकें और लोगों को बता सकें कि नहीं, चुनौतियां तो आती हैं, प्रॉब्लम तो फेस करना ही होता है, लेकिन हमारा सीएमडी हमारे साथ है। तो सर एक बार आप जरूर हमारे इस वीडियो का अगर आप देख रहे हैं तो हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये सर रिक्वेस्ट है और मेरे चैनल के थ्रू से भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि प्लीज सर एक बार आप ऑनलाइन आइए ताकि आपका वो झलक, आपका वो हंसी, आपका वो भरोसा हम लोग एक बार फिर से पाए और हमें ये लगे कि नहीं चलो एक सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे एक हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु गॉडफादर सीएमडी मिस्टर मितेश अग्रवाल से हम लोग रूबरू हो सकते हैं। सर देखिए हर पहलू का तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता ही है, ये भी हम लोग मानते हैं कि सिस्टम अगर नेगेटिविटी पे फैली हुई है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर की वजह से। तो सर एक बार अगर आप ऑनलाइन आते हैं और हमें ये सारी चीज थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट और क्लियरेंस होने की वजह से या फिर क्लियर हो सकता है। मैं तो एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा लीडर, आप कह सकते हैं फील्ड वर्कर हूं, हो सकता है कि मेरी बातों को कोई आपके अहमियत पड़े ही नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है सर कि एक बार ऑनलाइन आने पे शायद आपकी सारी टीम की गिलासी पानी मिल सकती है। सब सर प्लीज अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि एक बार आप ऑनलाइन आइए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट है, हमारे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आज फील्ड में, उसे एक बार आप अपनी हंसी से एक बार क्लियर करके जाए। बाकी जो भी आप सिस्टम का चेंजिंग्स लाते हैं, मैं हम लोग तो ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि हर 6 महीने में प्लान आप चेंज करो, अल्टरनेटिव 2-3 महीने में प्लान चेंज नहीं करना है, पे आउट सर रेगुलर हो जाए, ऐसी तो सिस्टम के बारे में चलती चर्चे हुए रहते हैं। आज कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज भी सर हम लोग दिलो जान से आरएमसीएल में बहुत बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन बस एक एक झूठ की वजह से सिस्टम में आज दरारें पड़ रही है और वो दरारें हम लोग आपको सर कभी भी दोषी ठहराते नहीं है, बल्कि दोषी उनको ठहराते हैं जो झूठ बोलते हैं, हम जैसे लीडर्स जो फील्ड में काम करके झूठ बोल के मार्केट से पैसा उठाते हैं, फंड उठाते हैं सर। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि आप सतर्क हो जाओ, ना कि हमारे सीएमडी। हमारे सीएमडी सर ये बहुत ही एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे पर्सनालिटी है, जहां तक मैं उनसे मिला, मैं आपसे पहली बार मिला था, मुझे अभी भी याद है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में पहली बार मिला था, आपके सामने रूबरू हुआ, आपसे सेल्फी लिया। मुझे ये भी याद है कलकत्ता में मैं आपसे मिलने के लिए गया था लेकिन वहां पे मुझे मौका नहीं मिला तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन हैंडशेक जरूर हुआ था। लेकिन मैं दूसरी बार जब आप बीरभूम गया तो वहां पे मेरी आपसे बात हुई, मुलाकात हुई और मैंने आपसे परिचय दिया। ये आपके लिए छोटा एक वाक्य होगा लेकिन मेरे लिए बहुत, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिस्टम में इतना उतार चढ़ाव आ जाएगा जिसके वजह से कंपनी को आज इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सर डेफिनेटली मुझे पता है कि आपके पास सारा बैकअप प्लान है, बस उसे आप लागू करने के लिए सोच रहे हो। तो सर जो भी है प्लीज एक बार हमारे चैनल पे हो या फिर कहीं भी, चाहे आप एफबी लाइव आ जाए, आप प्लीज एक बार लाइव आए ताकि हम लोग आपको देख पाए, हमारे सीएमडी को हम लोग देख पाए कि सर आप अभी भी हमारे साथ हैं, ताकि हमारे गिलास एक बार जो भी है, हम अपने अपलाइन को सर नहीं मानते, मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी आज हमारे अपलाइन है ठीक है सर, वो अपने जगह पे ठीक है, हम लोग सर आपको देखना चाहते हैं कि सर एक बार आप ऑनलाइन आए ताकि हम लोग को ये पता चले कि नहीं हमारे अपलाइन जो कहते हैं वो तो है ही, ये हमारे सीएमडी हमारे साथ है। तो सर प्लीज एक बार हमारे लिए नहीं, हमारे जो आज 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए सर एक बार प्लीज आप ऑनलाइन आए, ताकि इस रिक्वेस्ट को मैं अपने चैनल के थ्रू आपसे ये विनती करता हूँ कि सर एक बार ऑनलाइन आके हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आप थोड़ा सा गिला सीखा या जो भी आप क्लियर कर पाए। कितने आदमी थे?